अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहिब सरदार पेट्स व्लॉग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे। तो यार सीन कुछ इस तरह का है कि सेटअप पर आ चुके हैं और ये मेडिसिन वाला पानी भी इन्हें दे दिया है। उसके अलावा ना सारे पिजन्स खुले हुए हैं, दाना इन्हें डाल चुका हूँ मैं। और इधर रैबिट्स, हैंज, मजनू की स्टोरी है जो आज सुनाऊंगा आप लोग। यार ये डेली यहाँ से उड़ जाता था, ठीक है, और बहुत परेशानी होती थी हमें। कभी कहीं से हम इसे पकड़ के लाते थे, कभी कहीं से, और कल इसे हम लेके आए हैं काफ़ी दूर से पकड़ के, ठीक है ना। मुझे वहाँ मीन्स के पास उनकी खुद की कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे बतख है, तो मैं जब गया तो वो फिर उधर हमारा मजनू था। तो यार ये इतना दूर चला गया था ना यहाँ से, इसे मैं पकड़ के लाया हूँ। और ये देखें, अब इसके मैंने पर भी काट दिए ताकि ये अब हमारी छत से उड़ के नहीं। अभी लैला को पकड़ते हैं और लैला के भी पर काटते हैं, बट उससे पहले आप लोगों को अपने पेट से अपडेट करता हूँ। यार हमारा ये वाला मेल बहुत ज़्यादा वीक हुआ हुआ है, रोडी एंड दाना शाना खा के स्कून से आ चुकी है और नीचे देखें सारा दाना पड़ा है। एक बनी हमारा यहाँ बैठा छोटू सा, क्यूट सा। उसके अलावा ये चार इधर फिर रहे हैं, बल्कि पाँच, और एक फीमेल इधर है, एक ये रही, ये पायलट ये इधर है, एक फीमेल इधर है। कुछ रैबिट्स केज के नीचे बैठे हैं और कुछ इधर हैं, कुछ अंदर हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पीछे देख लेते हैं, शायद यहाँ भी कोई पेट हमारा बैठा हो। तो यहाँ कुछ नहीं है, और कुछ कबूतर ऊपर बैठे हैं और कुछ नीचे। ब्लैकी बंद है, कोको बंद है और स्प्लैश भी बंद है। ये फीमेल इधर बैठी है, इसके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द केज बनाएंगे ताकि ये उसमें ब्रीड कर सके। यहाँ से ये पिजन कैचर उतार देता हूँ, और जिसको देखते ही हमारा मजनू डरता था, अब ये डरेगा तो सही मगर जा कहीं नहीं सकता उड़ के, ठीक है ना। उसके अलावा पिजन्स को छेड़ते हैं सबको यहाँ से ताकि थोड़ा सा उड़े। ये उड़ गए काफ़ी सारे कबूतर, ठीक है। और ये हमारे ग्रिजल का पेयर, ये पूरा इधर बैठा है। ये भी हल्का फुल्का दीवारों पर बैठ जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं छेड़ते क्योंकि यार इसके पर सही नहीं है, कहीं गिर गए और बिल्ली पकड़ लेगी। ये देखें यार माशाल्लाह कितने सारे कबूतर उड़ रहे हैं, ये देखें, एक एक करके बैठते रहेंगे नीचे, ऐसे सारे एक साथ भी बैठ सकते हैं, बट नहीं, इन्होंने एक एक करके बैठना। यार इन्हें दाना यहाँ डाल दिया मैंने, और माशाल्लाह से ये देखिए, ये भी दरवाज़ा खुलते ही इन्होंने अंदर आना स्टार्ट कर दिया अपने अंडे बच्चों की वजह से। अभी इधर नीचे दो एग्ज हैं, इधर भी दो एग्ज हैं, आज इनकी कैंडलिंग भी करूँगा रात को। एक चिक इधर है, दो चिक इधर है, और इधर अभी एक एग आए, इधर ऊपर अभी कुछ भी नहीं आया। इधर जो एग थे वो ख़राब हो गए थे, टूट गए थे, तो वो मैंने बाहर हैंज को डाल दिए थे। बस अब इनका दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि इन्होंने जाना होगा तो खुद अंदर चले जाएंगे, ताकि अपने बच्चे वगैरह को फीड कराएं यार। और यार इन सब को पानी में रख दिया है, और आज हमने फर्स्ट टाइम अपने रैबिट्स को और सब पेट्स को ग्रीन फूड दिया, फर्स्ट टाइम। और इधर आ जाते हैं, यार इनकी समझ नहीं आ रही है ये इतना ज़्यादा वीक क्यों हो गए हैं। इनको भी सब, इनको मेडिसिन वगैरह भी दिया बट फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखें कैसे इधर सुस्त होके बैठे, और ये भाग गया, ये आ गया, ये देखें भाई इसकी यार आइज वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई हैं। ये वाली आई इसकी अभी बंद थी, अभी दवाई लगाई ज़्यादा खुली है, ये वाली अभी तक बंद ही है, ये खुल नहीं रही है। तो अभी मज़ीद इन्हें मेडिसिन वगैरह भी चलेगी इनकी। और यार हमारे पास ना एक एग पड़ा है और ये भी ना ख़राब हो चुका है, तो ये मैं ऐसा करता हूँ इधर इन्हें डाल देता हूँ, ये इधर मैंने डाल दिया ताकि ये भी हमारी हैंस वगैरह खा लेंगी। आज हमने ब्रोडी एन के जो मीन्स के हमारी ब्लैकी एग्स पर बैठी है उसके एग्स की भी कैंडलिंग करनी है, ताकि उसको भी देखेंगे यार कितने एग उसमें फर्टाइल हैं कितने नहीं, तो इंशाल्लाह कल आप लोगों को उससे भी अपडेट करूँगा। उनको यार यहाँ से बाहर निकालते हैं, ये अंदर आ जाते हैं अपने अंडों के से, बट मैं सोच रहा हूँ पहले दाना खा लें फिर ये अंदर जाके सुकून से बैठ जाए, फिर जब हम अंदर करते हैं तो ये अंदर जाते नहीं है। ये अच्छे तमाशे हैं भाई।
तो यार ये यहाँ से दाना ले लिया है, तो अभी दाना डालते हैं अपने इन तीनों को जो ये अंदर हैं बंद, और इन्हें भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन फूड भी उठा के डालता हूँ बाहर से। मेरे पहले माइंड में था मैंने सारा बाहर ही डाल दिया। गर्मियों में यार इनको ग्रीन फूड देना लाजमी है। इसे भी डाल देते हैं यहाँ दाना, क्योंकि जो नेचुरल फूड है उसमें जो विटामिन है वो हम किसी मेडिसिन के थ्रू नहीं दे सकते इन्हें। नेचुरल विटामिन नेचुरल ही होते हैं भाई। आज फिर हमें छत की सफाई करवानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद हो चुका है दोबारा से ना, क्योंकि बारिशें भी आई हैं, अंधी भी चली है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंद हो चुका है। और ग्यूनाफॉल ने यार कल से बहुत ज़्यादा शोर किया हुआ है, पता नहीं क्यों, समझ से बाहर है। पहले तो ये बोलती नहीं थी, अब इतना शोर कर रखा इन्होंने। तो दोस्तों सब पेट्स को दाना पानी में डाल चुका हूँ और मेडिसिन भी दे दी है, जो जो वीक था उसे मेडिसिन भी दे दी है। और यार आप लोगों को पता है कि लैला मजनू मीन्स के उड़ जाते हैं, लैला नहीं उड़ती थी इतना, मजनू बहुत उड़ता था। तो मजनू को कल हम बहुत दूर से पकड़ के लाए थे और उसके हमने पर भी काट दिए। तो यहाँ करते हैं अपना व्लॉग का एंड, मुझे दें आप लोग इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। उम्मीद करता हूँ हमारा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।